हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, जिससे आने वाले समय में सरकार की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। पहले सचिवालय कर्मियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था, वहीं अब बिजली बोर्ड के जॉइंट फ्रंट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बिजली बोर्ड से 51 पद खत्म करने और 81 आउटसोर्स ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त करने पर बिफरे। बिजली बोर्ड कर्मियों ने विद्युत मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए इंजीनियरिंग वर्ग के सभी 51 पदों को बहाल किया जाए। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा का आरोप है कि सरकार की ओर से बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी बिजली बोर्ड को 3 हिस्सों ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटकर इसका निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद भी सरकार ने अगर सभी फैसलों को वापस नहीं लिया तो बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने इसके पीछे बिजली बोर्ड को अस्थिर करने की आशंका भी जाहिर की है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारी अभियंता और पेंशनर सड़कों पे हैं और लगभग 60 से ज़्यादा से कार्यालय है प्रदेश में जहाँ जहाँ बिजली कर्मचारी अभियंता आंदोलन कर रहे हैं। और आज जो पूरे प्रदेश में जो संघर्ष है इसके पीछे मुख्य मुद्दे तो तत्काल मुद्दे तो है जो अभी कुछ पोस्टें बिजली बोर्ड की अब्लिश की गई और इसके साथ साथ जो 81 ड्राइवर्स है आउटसोर्स पर काम कर रहे थे उनको ट्रेंच किया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो सब कमेटी में कुछ मुद्दे चले हैं जो ये तो कुछ चीज़ें बाहर आई है लेकिन सब कमेटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चली है जो बिजली बोर्ड के हित में नहीं है। उसमें अभी बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो एब्लिश करने की पाइपलाइन में है और भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और एक एजेंडा और भी सब कमेटी में जो कैबिनेट सब कमेटी है उसमें बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए, अल्टीमेटली निजीकरण किया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर एक दूसरा आप देखेंगे ओपीएस कई सालों से पेंडिंग है, बाकी जितने कर सेक्टर स्टेट में वहाँ ओपीएस हो गया लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी उससे वंचित है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे हमारा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि आज दिवाली पूरे प्रदेश देश में दिवाली मनाई जा रही है। प्रदेश के उपभोक्ता हमारे परिवार का हिस्सा है, हम दिवाली के बीच में जो भी फेस्टिवल है उसमें उनकी सप्लाई बाधित नहीं करेंगे ना जो अपनी सर्विस है उसको बाधित नहीं करेंगे और उनकी दिवाली में सहयोग देंगे। जो 20 ओवर्स हमारी सप्लाई रहेगी उसको मेंटेन रखेंगे और बढ़िया से मेंटेन रखेंगे। लेकिन उसके बाद अगर सरकार इन मुद्दों को लेकर के जो ज्वाइंट फंड ने रेज किया है उस पर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, स्वाभाविक है कर्मचारियों में और अभियंताओं में और जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो हमारे पेंशनर सब में भारी आक्रोश है और क्रोश को देखते हुए ज्वाइंट फंड को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारा इस पर ज्वाइंट फंड बैठेगा और जो अगला निर्णय है वो करेगा, लेकिन स्वाभाविक है होगा दिवाली जो 4 तारीख उसके बाद ही कोई फैसला होगा जिस पर ज्वाइंट फंड आगे बढ़ेगा।